गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे डिफरेंट रीजंस ऑफ फीलिंग। डिफरेंट रीजंस रीजंस ऑफ फीलिंग राइट। फिर रूट्स के अंदर कौन कौन से रीजंस पाए जाते हैं। अगर अपन किसी रूट को जो है पुल करते हैं, पुल करने के बाद में रूट के अंदर जो है अपन को वेरियस रीजंस दिखाई देते हैं, दोज आर नोन एज रीजंस ऑफ रूट राइट। इसके अंदर से सबसे नीचे पाया जाता है दैट इज नोन एज रूट कैप जोन। रूट कैप जोन इन द सेंस जो रूट है उसके एंड के अंदर एक कैप पाई जाती है राइट, जो कहीं ना कहीं रूट की जो टिप रीजन है। कौन सा रीजन? टिप जो है, रूट टिप जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोई भी टिप रीजन है डेफिनेटली उसके ऊपर कैप पाई जाएगी। वो क्यों पाई जाएगी? क्योंकि अगर टिप जो है सोइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो सोइल के अंदर कुछ भी हो सकता है राइट। तो उस वाली सिचुएशन के अंदर रूट को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं रूट कैप जोन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है इसको, रूट टिप को। इसके जस्ट ऊपर जो जोन पाया जाता है दैट इज नोन एज मेरिस्टमैटिक जोन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट जोन ऑफ डिवीजन। That is known as zone of division or zone of meristematic zone. इसके अंदर जो है meristematic cells पाई जाती है जो continuously जो है divide होती रहती है और continuously जो है अपने number के अंदर increase होती रहती है right? Root cap zone की just ऊपर की तरफ जो zone पाया जा रहा है that is meristematic zone. Meristematic zone के अंदर जो है meristematic cells होती है, meristematic cells जो है continuously divide होती रहती है। इसी के चलते meristematic zone को जो है zone of division भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर continuously cells divide होती रहती है। इसके जस्ट अब वो जो जोन पाया जाता है दैट इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन को लेकर, किसको लेकर? न्यूट्रिशन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर साइज के अंदर बड़ी होती रहती है और इलोंगेट हो जाती है। इसी के चलते जो है इस वाले जोन को क्या बोला गया है, जोन ऑफ इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंटिन्यूअसली सकिंग द न्यूट्रिशन राइट। न्यूट्रिशन को सक करने के बाद में जो है शेप के अंदर साइज के अंदर बड़ी हो रही है। बड़ी होने के बाद में जो है पर्टिकुलरली एक जोन बन रहा है, उस जोन को बनने का नाम दे दिया है जोन ऑफ इलोंगेशन। दैट जोन इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन। जस्ट अबोव द जोन ऑफ इलोंगेशन देयर इज आल्सो जोन फाउंड दैट इज नोन एज रूट हेयर जोन, जिसके अंदर कंटिन्यूसली जो है रूट हेयर्स पाए जाते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। That is also known as zone of differentiation, right? इस प्रकार से रूट के अंदर जो सबसे नीचे जो रीजन पाया जाता है दैट इज रूट कैप जोन। इसके जस्ट अबो जो रीजन पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके ऊपर जो रीजन पाया जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन, ओके। और इसके ऊपर जो जोन पाया जाता है दैट इज रूट हेयर जोन और डिफरेंशिएशन जोन। दैट इज ऑल्सो नोन एज मैच्यूरेशन जोन। रूट कैप जो है ये कहीं ना कहीं रूट टिप को प्रोटेक्शन का काम करती है। मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो सेल्स होती है वो हमेशा डिवाइड होती रहती है और राइट, जिसकी वजह से जो रूट है वो उसकी ग्रिथ के अंदर ऑटोमेटिकली मोटाई देखने को मिलती है, सेल्स एड होती रहती है, ओके। जोन ऑफ इलोंगेशन जो है इसके अंदर सेल्स कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन को सक करती रहती है, दे आर कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने के बाद में सेल्स इलोंगेट हो जाती है एंड जोन इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन राइट। इसके बाद में जो जोन आता है दैट इज रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन के अंदर जो है ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट हो गई थी, डिफरेंशिएट होने के बाद में उनके अंदर आउटग्रोथ देखने को मिलती है, आउटग्रोथ को बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और 5 to 6 centimeter इन लेंथ होते हैं। Alright, these are 5 to 6 centimeter in length and these are composed of single cell. Alright, how it is developed? कि जो epidermal cells हैं उनके अंदर कुछ outgrowth देखने को मिलती है, उन outgrowth से क्या form हो जाते हैं?
रूट हेयर्स फॉर्म हो जाते हैं जो कंटिन्यूसली मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इसी के चलते इसको एब्जॉर्प्शन जोन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन जोन। राइट, इस प्रकार से जो है उनको कुछ रीजन से जोन्स में डिफरेंशिएट कर रखा है। टॉप मोस्ट इज रूट हेयर जोन, देखने पर चल रहा है कि जो है रूट हेयर्स पाए जाते हैं। सेल्स इसके अंदर आकर मैच्योर हो गई हैं और वो डिवाइड करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। इसी के चलते जो है इसको डिफरेंशिएशन बोला है। सेल्स मैच्योर हो गई हैं, यहाँ पे इसके अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है टॉप मोस्ट रीजन के अंदर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स। इसी के चलते इसको एब्जॉर्प्शन जोन भी बोलते हैं। That's why this is also known as absorption zone. इसके बाद में जो zone आता है, that is zone of elongation. Cells are continuously sucking the nutrition. इसके जस्ट नीचे जो आता है meristematic zone. Cells are continuously differentiating. Cells इसमें क्या होती रहती है, differentiate होती रहती है। और इसके जस्ट नीचे जो रीजन आता है, that is root cap zone. यहीं पे जो है आपका different reasons of roots complete होता है। I hope you have understood this further. If you have any doubts, you can clarify to me. Soon the offline classes are going to end. Thanks, have a nice day.